नमस्कार, मैं दिव्या, आप सभी का लोकवाणी पर स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज क्या कुछ हुआ शहर में। पैदल जा रहे वृद्ध की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। सुभाष नगर थाने के एएसआई राधा किशन ने बताया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र में देवरिया बालाजी के पास अज्ञात वाहन से पैदल जा रहा धूलखेड़ा मांडल निवासी रुस्तम बेग घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दिनांक 25/11/2020 को सिटी कंट्रोल रूम बिलवाड़ा से सूचना मिली कि देवराज बालाजी के पास में रुस्तम पिता गुलाब बेग उम्र 65 साल निवासी धूलखेड़ा थाना मांडल की दुर्घटना होने से MGH ले गए, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर यहाँ आए हैं, उसको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई जारी है। ये अभी जानकारी नहीं आया किससे हुई है, जानकारी कर रहे हैं इसकी। राधा कृष्ण, ASI थाना सुभाष नगर बिलवाड़ा। देव प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर हरिशिवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर परिसर में सैकड़ों दीप जलाकर देव उठनी एकादशी पर्व मनाया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने अपने आशीर्वचन में कहा कि सनातन संस्कृति में देव प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन से करीब 4 माह बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी सनातन संस्कृति में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज से देव उठते हैं और मंगल कार्यों का भी प्रारंभ होता है। आज हरि शिवा उदासीन आश्रम में एकादशी व्रत की कथा और संध्या आरती और देव उठनी एकादशी को देव दिवाली भी कहते हैं दिवाली के बाद, तो आज उस दिवाली को हम लोग सैकड़ों दीपक जलाकर हरि शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं पूरे विश्व में और पूरे भीलवाड़ा की जनता को देव दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं सनातन संस्कृति के पर्व आनंद उत्साह से मनाएं, कोरोना काल के अंदर मास्क लगाएं और 2 गज दूरी बनाए रखें। हरिओम। पिछले 5 दिनों में मंगलवार ही ऐसा राहत भरा दिन रहा जब कोरोना संक्रमण के 100 से कम मामले सामने आए, लेकिन बुधवार को फिर से कोरोना संक्रमण ने पैर पसारना शुरू कर दिया। बुधवार को 185 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। विशेषज्ञों की माने तो बढ़ती सर्दी के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ेगा और यह सच भी साबित हो रहा है। उधर दूसरी ओर देव उठनी 11 अबूझ सावो का पर्व होने से समारोह में शामिल होने वाले लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और मास्क लगाना भूल गए। यह भी आगामी दिनों में घातक साबित होगा। RRT प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने जानकारी दी कि कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,434 हो गई है। इसमें से 8,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा अब 167 पर पहुंच गया है। जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका ने सभी को चिंतित कर रखा है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के नेतृत्व में चिकित्सा प्रशासन व पुलिस विभाग संक्रमण को रोकने, मरीजों को इलाज मुहैया कराने और उनकी जांच बचाने के लिए कार्य योजना बनाकर उसे अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। RRT प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है, जिसके अनुसार 8 निजी अस्पतालों का निरीक्षण जिला कलेक्टर नकाते कर चुके हैं। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड सुनिश्चित करने को कहा गया है। विवाह समारोह होने तथा बढ़ती सर्दी में लापरवाही बरतने से संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। रात्रि कर्फ्यू भी संक्रमण रोकने में सहायक साबित होगा। वहीं अस्पतालों को दिन में 2 बार कोरोना से संबंधित डिटेल्स अपडेट करने को कहा गया है। दिवाली के बाद के सीजन में जो है भीलवाड़ा जिले में केसेज बढ़े हैं, जैसा कि पूरे भारत में केसेज बढ़े हैं, राजस्थान में भी केसेज बढ़े हैं। ये त्योहारी सीजन और सर्दी को देखते हुए, साथ ही साथ इलेक्शन का जो अभी माहौल रहा है उसमें संक्रमण की दर बढ़ी है और जिले में जो है जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड हैं उनको भी हमने बढ़ाया है और साथ ही जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने मोटिवेट किया है कि वो भी अपने यहाँ पे केसेस जो अपने बेड्स हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, ICU है, वेंटिलेटर्स हैं, इनकी संख्या बढ़ाए। और इसके लिए जो है जिला कलेक्टर महोदय ने 4 नोडल अधिकारी भी जो है नियुक्त किए हैं और उनके साथ मेडिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट नोडल ऑफिसर भी जो है लगाए गए हैं। उन्होंने सारे जो 8 हॉस्पिटल्स हैं हमारे प्राइवेट उनकी विजिट कर ली है और आवश्यक जो गैप थे ना उनको बताकर जो है उनको शॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग। नाइट में जो भी कर्फ्यू लगाया है इससे क्या
नहीं नहीं देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि 7 बजे दुकान बंद करके लोग घर पे चले जाएंगे। 7 से 9 वाला एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें भी काफ़ी लोग मार्केट में और इधर उधर जो है काफ़ी अफरा तफरी करते थे, तो उसको लेकर जो कर्फ्यू का एक मैसेज गया है कि शाम को बाद में नहीं निकलना और समय रहते हुए लोग अपने घरों पर चले जाए, तो उससे निश्चित रूप से इम्पैक्ट आएगा। और आगे वाले दिनों में जैसे जागरूकता अभियान का इम्पैक्ट हमने देखा था कि पिछले 1 महीने में जो जागरूकता अभियान चला था उसमें नंबर ऑफ कैसेज काफ़ी कम हुए थे, तो अभी ये जो पिछले दिनों में जो कैसेज बढ़े हैं ना उनको ये जो कर्फ्यू वगैरह जो इवनिंग में लगाया है रात को उससे इम्पैक्ट आना है। अभी कोई लेकिन जो सर्दी का मौसम है इसमें और जो सर्दी का सीजन चल रहा है क्या नहीं नहीं बिल्कुल लोगों को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि आगे जो दिन है वो हमारे लिए बड़े डेंजरस दिन है। एक तो ये जो वायरस है ये लो टेम्परेचर पे ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है, दूसरा सर्दी में लोग थोड़ा पास पास भी रहते हैं और शादी ब्याह के सीजन में भी लोग एक साथ एक जगह बहुत ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे रहते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो वायरस के संक्रमण को बढ़ावा देने वाली है। तो अभी लोगों को समझना चाहिए कि मास्क वगैरह लगा के रहें, दूरी बना के रहें और फिजूल में बहुत ज़्यादा गैदरिंग कहीं भी नहीं करें, अभी समय है कि हम लोग अंदर रहें। भिलवाड़ा में शादी समारोह में कोरोना संक्रमण ना फैले इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के विभिन्न मैरिज स्थलों पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एवं नकाते द्वारा बनाई गई टीमों ने दबिश दी। टीमों ने कई जगहों पर बिना मास्क लगाए व्यक्तियों पर चालान बनाए, वहीं अधिकांश जगहों पर शादी समारोह में टीमों को माकूल व्यवस्थाएं भी मिली। कार्यवाहक SDM त्रिलोक चंद्र मीणा ने कहा कि शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए हम लगातार मैरिज गार्डन की जांच कर रहे हैं। हमने आज 4 से 5 जगहों पर जांच की है जहां पर सभी व्यवस्थाएं माकूल मिली है, लेकिन अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, इसके कारण उनके चालान भी काटे गए हैं। CO सिटी भवर रणधीर सिंह ने कहा जिनके भी चालान काटे गए हैं वह यह ना सोचे कि चालान कटने से मास्क हम नहीं लगाएंगे, हम सभी जगहों पर वापस दबिश देकर इनका फिर से चालान करेंगे जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में 24 और 25 तारीख को जो शादियां होने वाली हैं भीलवाड़ा में, उन शादियों को एक बार देखने के लिए उनका इंस्पेक्शन करने के लिए 4 टीम बनाई गई है, जिसमें 4 RS ऑफिसर लगाए गए हैं और उनके साथ में 4 पुलिस उप अधीक्षक भी लगाए गए हैं। कल से हम लोगों की टीम विजिट कर रही है और ज़्यादातर सभी जगह ठीक व्यवस्थाएं पाई गई हैं। अभी इस शादी को हमने निरीक्षण किया था, इसमें 10 आदमी बिना मास्क के पाए गए जिनका चालान काटा गया। 5 साल ज़्यादातर व्यवस्थाएँ संतोषजनक है, गेट पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइजर कर रखा है, मेहमान 100 से नीचे ही हैं सभी जगह शादियों में, चाहे वो 23 तारीख की शादी हो, चाहे 24 की हो, चाहे 25 की हो, और ज़्यादातर गाइडलाइन की पालना करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अभी राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार विवाह जो समारोह स्थल है वहाँ पर एक जॉइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें SDM साहब भिलवाड़ा में CO सिटी हम ये विजिट कर रहे हैं विवाह समारोह का, और इनको कोरोना गाइडलाइन की पालना विजिट करके और इनको आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जहाँ पर मेन गेट पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो एक दो जगह नहीं मिली है, उनको हमने व्यवस्था करवाई है, और जो अंदर बिना मास्क के पाए गए उनका भी यहाँ रामेश्वर गार्डन में 10 आदमी का चालान बनाया गया है, और वैसे व्यवस्था ठीक है लेकिन फिर भी इनको बार बार विजिट करके और कोविड गाइडलाइन की जो पालना है वो सुनिश्चित करवाई जाएगी। सर चालान कितने का काटा गया है? अभी 10 लोगों का बिना मास्क का चालान काटा गया है, 5,000 रुपये की राशि इनसे वसूल की गई है, और इनको और भी हिदायत की गई है, ये नहीं कि 5,000 की रसीद कट गई तो आप लोग बिल्कुल उसके बाद मास्क का प्रयोग नहीं करें, हम दोबारा भी विजिट करेंगे, अगर दोबारा भी पुनः ऐसा पाया गया तो फिर दोबारा काफी की जाएगी। मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने खाद्य सुरक्षा के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही लाटपुरा व श्यामगढ़ ग्राम पंचायत के खाद्य सुरक्षा गोदाम में बिखरे पड़े अनाज व चूहों को देखकर फटकार लगाई। खाद्य सुरक्षा गोदाम के एजेंट का स्टॉक रजिस्टर सहित आवश्यक दस्तावेजों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया और गोदाम में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर प्रवर्तक निरीक्षक मुरारीलाल शर्मा, उपखंड कार्यालय के कार्मिक यशवंत राजेश टेलर उपस्थित थे।
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की गतिविधियों को चालू करवाने सहित कई अन्य मांगे की गई। मदरसों में शिक्षा सामग्री व खेल सामग्री आना बंद हो गई है। मदरसों में शिक्षण कार्य कर रहे प्रबोधक व अन्य टीचर्स का वेतनमान राज्य सरकार को तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के बराबर किया जाए। वर्तमान समय में कोरोना काल में प्रदेश की सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की है, जबकि मदरसों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिससे 2.5 लाख अल्पसंख्यक बच्चों का भविष्य खतरे में है। मदरसों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच पाई है व नए पदों का सृजन भी गत 2 वर्षों से बंद है, जिन्हें चालू करवाने की मांग भी की गई। केंद्र सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम में समाज की उपरोक्त समस्याओं का तुरंत समाधान करने व जिस निगम या बोर्ड में प्रभावी कार्य नहीं हो रहा है वहां तुरंत उचित कार्रवाई कराने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख, पूर्व मदरसा बोर्ड के जिला संयोजक इमरान काजी, जिला कार्य समिति सदस्य इमरान कायम खानी शामिल थे। अल्पसंख्यक मोर्चा भिलवाड़ा की जानिब से मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय को एक ज्ञापन पेश कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं जो केंद्र सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम की जो एक तो क्रियान्विति किया गया, जिला मुख्यालयों पर क्रियान्विति नहीं हो रही है, इसके लिए श्रीमान मुख्यमंत्री को महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा, उर्दू के जो पैरा टीचर मदरसों में लगे हुए हैं उनको सरकार ने 15 साल से आज सरकार में लगा रखे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह और सब चीज़ें मतलब उनकी क्या न के बराबर आज उनको तनख्वाह मिल रही है। एक तो उनकी तनख्वाह वृद्धि के लिए, एक उर्दू भाषा के लिए जो उन्होंने क्या कि बंद करने का एक जो ये चल रहा है, हम सब चाहते हैं भाई कि राजस्थान के मुस्लिम समाज जो उर्दू के जो पैरा टीचर लगे हुए हैं, उर्दू जो जहाँ चल रही है उस उर्दू को बंद नहीं करें और उर्दू को क्रियान्वित करके इसको ऑनलाइन जैसे दूसरी स्कूलों में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसी तरह से मदरसों में भी ऑनलाइन पढ़ाई हो। और जो अल्पसंख्यक मामलों में जितने भी अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो योजनाएं आज की तारीख में क्रियान्विति में बिल्कुल नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं कि सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार की योजना या राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं अल्पसंख्यकों की हितकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को क्रियान्विति करके और अल्पसंख्यकों को लाभ दिलाने की मेहरबानी करें, इसके लिए हम आज सब अल्पसंख्यक मोर्चा भिलवाड़ा की जानिब से हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारे मैं जिला के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भिलवाड़ा, इमरान जी कायम खानी, इमरान जी काजी साहब, बंटू पठान, इकबाल और क्या नाम सलाम साहब नागोरी, हम सभी मतलब कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की के जिलाध्यक्ष होने के नाते हम राजस्थान सरकार से हमारी मांग रख रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया। मांडलगढ़ से जहाजपुर के बीच चलने वाली निजी बस से मुकुंदपुरिया गांव के नजदीक संतुलन बिगड़ने से परिचालक शिवलाल भुवालिया निवासी जहाजपुर नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। शव को मांडलगढ़ अस्पताल में रखवाया गया है। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक पर जाने से पहले लोकवाणी उन सभी दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें बनेड़ा तहसील के बामणिया, भटेड़ा, रायला, बैसकलाई, धामनिया गांव से कल्याण बलाई, त्रिलोक कुमावत, देवीलाल बलाई, पुरुषोत्तम मिनारिया, भेरूलाल गुर्जर, मदन नाथ और राम भवर सिंह तथा आसिंद तहसील के मोतीबोर खेड़ा, उदयपुरा,
गांगलास उदलपुरा गांव से टिकम जाट, नंदलाल कुमावत, रतनलाल रेगर ने हमें उनकी सेल्फी भेजी है। हम इन सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फोटो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला अभी जारी है, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंध है सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1,00,000 रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है, हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, कंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओस, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room, A16 front of Mahila Ashram college, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwara। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट, इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। श्री गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा होम्योपैथिक अस्पताल महात्मा गांधी परिसर में लगाए गए शिविर में 57 रोगी लाभान्वित हुए। इस शिविर में बाहर से आए कई गांवों के रोगी थे। इसमें सभी प्रकार की बीमारियों से रोगियों को निजात मिली। पथरी रोगियों को दवाई देने से बिना ऑपरेशन के पथरी बाहर आ गई। रोगियों के बिना ऑपरेशन से पथरी को होम्योपैथिक दवाइयों से निकालना सराहनीय कदम है। समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इस शिविर में होम्योपैथिक BHSM स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर परामर्श व निशुल्क दवाएं दी। इसमें छीतरमल अग्रवाल व इंदु बंसल ने भी सेवाएं दी। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग की अध्यक्ष ललिता विजयवर्गी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सचिव राजेंद्र राठी द्वारा नीम गिलोय का काढ़ा घर से बनाकर मजदूर चौराहे पर 3 दिन तक लगातार वितरित किया गया। इस चौराहे पर भीड़ रहने के कारण अधिकतर लोगों को फायदा मिला। इस चौराहे पर सीमा पनगड़िया एवं सुधा जागेटिया द्वारा 200 लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। लोगों को मास्क के महत्व के बारे में समझाया गया, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। लाड देवी, मंत्री शांता लड्ढा एवं अन्य सदस्यगण मौजूद थे।
कोटड़ी उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट के पास बना गड्ढा इन दिनों राह के रोग व चिकित्सा परिसर में आने वाले मरीजों के लिए एक नई मुसीबत बन गया है। आए दिन गड्ढे में वाहनधारी गिरकर के चोटिल हो रहे हैं, वहीं सुबह शाम बालाजी मंदिर को जाने वाले श्रद्धालु भी गिरकर चोटिल हो गए हैं, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। मेडिकल व्यवसायी रामेश्वर अहीर व महावीर रुगलेचा ने बताया कि जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन चेक करने के लिए गड्ढा खोदा था, गड्ढे को वापस भरने के बजाय खुला छोड़ दिया गया है। 15 दिन बाद भी कर्मचारियों ने गड्ढे की सुध नहीं ली है। आए दिन गड्ढे में वाहनधारी घिरकर के चोटिल हो रहे हैं। परिवार के साथ श्री में आए सरफराज खान की गाड़ी भी गड्ढे में फंस गई थी। कस्बे वासियों ने गड्ढे को भराने की मांग की है। मोतीपुर पंचायत के झबरकिया गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर भिलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के सानिध्य में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस की देशद्रोही विचारधारा व भाई भतीजावाद की राजनीति से दुखी होकर भिलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के हाथों भाजपा का दुपट्टा पहनकर भाजपा की सदस्यता ली। शिव जाट के साथ अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और भाजपा उम्मीदवारों को जिताने की बात कही। वहीं भिलवाड़ा विधायक ने बड़ला व झबरकिया में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए मोतीपुर पंचायत वासियों को भाजपा उम्मीदवारों की गारंटी दिलाते हुए कहा कि अगर आपका कोई भी काम सार्वजनिक या व्यक्तिगत हो फोन पर बताएं, मैं करवा दूंगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा को जीत का विश्वास दिलवाया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।